बहुत बहुत धन्यवाद। मुकुल जी ने प्रारंभिक परिचय जब मेरा दिया तो कहा 26 किलो का कवि है। अब अगर मैं 40-45 किलो का भी होता तो इनको कौन सी मुझसे शादी करनी थी। मुझे बुलाने में इनको भगवान याद आ गए, भगवान का आसरा। मैं आप मस्ती में रहिए सर। तुलसीदास की मानस, सूरदास के सवैया और भगवान राम की इस भूमि उत्तर प्रदेश को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। आपको होली की शुभकामनाएं देता हूँ। 2016 में एक शो किया था सब टीवी पे अन्नू भाई, उसमें मेरी प्रस्तुति पर मोहित होकर मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने मुझे गले लगा लिया था। मैं जब भी लखनऊ आता हूँ मुकुल भाई मुझे 12-13 बार गले लगाते हैं। मैंने कहा मुकुल भाई ये गणित समझ में नहीं आया। बोले तुम कुछ भी हो, उपलब्धि कुछ भी है तुम्हारी, तुम्हारा अनुभव कम है। मैंने मतलब, बोले बेटा जब हमारे समय में बड़े बुजुर्ग बद्रीनाथ केदारनाथ शिखर जी ऐसे दुर्गम तीर्थ करके आते थे तो जैसे ही वो सोनगर लौटते थे हम उनके पैर छू लिया करते थे। मैंने मतलब, बोले तीर्थ यात्रा का पुण्य फल हमको भी मिले। तालियां आपकी कमजोर है, थोड़ी सी बजाइए तो मुझे अच्छा लगेगा। स्माइल मैन डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी बैठे हुए हैं, मुझे चार मिसरे बशीर बद्र साहब के याद आते हैं। वो कहते हैं कि मुस्कुराओ के खुशी लौटे, रेत की तह में नमी लौटे, होठों पर पसरे हुए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए के हंसी लौटे। स्थितियां परिस्थितियां बड़ी गंभीर हो गई है, आरोप लगने लगे हैं, कोई उठकर कुछ भी बोलता है। पिछले दिनों संजय लीला बंसाली ने एक मूवी बनाना चाहिए राजस्थान में पद्मावती, उस पर कुछ बवाल हो गया। तो इस देश की एक संस्कारी महिला है, नाम आपने सुन रखा है शायद, राखी सावंत जी, वो बड़ी संस्कारी है। उन्होंने एक संस्कारवान ट्वीट किया कि मैं पद्मावती होती तो कभी जोहर नहीं करती। आपके कवि ने रीट्वीट किया, मैंने लिखा, मैंने कहा देवी अगर गलती से तुम पद्मावती होती तो खिलजी खुद जोहर करके मर जाता। तालियां आप लोगों की कमजोर है, थोड़ी आप तालियां बजाएंगे, लखनऊ वाली तालियां तो मुझे अच्छा लगेगा। गोमती के तट पर बसा आपका खूबसूरत शहर, मैं बता रहा था बच्चे बड़े परेशान करते हैं, मेरा दोस्त है विनोद शुक्ला, उसका वाकई में मुख्यमंत्री जी है। मुझे जरा डर लगता है साहब, माहौल थोड़ा सा वैसा है ना। वो पिछले दिनों एक सज्जन कहने लगे, बोले बुलडोजर, बुलडोजर से शांति कैसे आ सकती है, बुलडोजर विध्वंसता का प्रतीक है, बुलडोजर से विनाश होता है, बुलडोजर से शांति कैसे आएगी बताइए। मैंने बताया और जवाब अच्छा लगे तो आप सबकी तालियां उठे। मैंने कहा साहब बुलडोजर से शांति वैसे ही आ सकती है जैसे चरखे से आजादी आई थी। अब इससे ज्यादा पॉलिटिकल बात मैं करूंगा नहीं, क्योंकि सर्वेश जी ने और घर वालों ने बोल के रखा है जमानत हम नहीं करवाएंगे। और मैं पहले ही पत्नी से परेशान हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी हाल में पुलिस से भी परेशान रहूं। आप मस्ती लीजिए, ये माहौल आपको मुबारक, ये होली का ये लंतरानी बड़ा, मैं 5 साल तक इंतजार करा है इस स्टेज पे आने के लिए, बहुत बड़ा त्याग है मेरा, क्योंकि मैं लेटेस्ट जो 2022 में इंडियाज लाफ्टर चैंपियन है उसका फाइनलिस्ट हूँ सर। मैंने वहाँ जितने ऑडिशन के लिए वेट नहीं किया, इस मंच पे आने के लिए वेट किया है, इसलिए आपका अतिरिक्त तो प्यार मांगता हूँ। मैं बता रहा था मेरा दोस्त विनोद शुक्ला, उसका लड़का टीवी देख रहा था तो दादी ने टोका, बोले नालायक दिन भर टीवी देखता रहता है, चल कुछ बातें करे। बोले दादी क्या बातें करे, ले देखे 6 लोग हैं घर में, एक आप, एक मैं, एक पापा, एक मम्मी, एक दीदी और एक ये बिल्ली। बोले कोई बात नहीं बेटा, कल तेरे पिताजी से कहेंगे, वो एक डॉगी लेकर आ जाएंगे, अपन साथ हो जाएंगे, फिर तो ठीक है। बोले वो डॉगी इस बिल्ली को मार देगा, अपन फिर 6। बोले कोई बात नहीं, कल को तेरी शादी होगी, तेरी दुल्हन आएगी, फिर 7। बोले फिर बहन की विदाई हो जाएगी, फिर 6। बोले कोई बात नहीं, कल को तेरी शादी होगी, तेरे आंगन में जब किलकारी गूंजेंगी, तेरे बाल गोपाल होंगे, अपन फिर 7 हो जाएंगे। बोले हाँ फिर तुम निकल लोगी। दादी ने भी बोला जा नालायक तू जाके टीवी देख। बच्चा बड़ा परेशान करते हैं सर, और हमारा देश लाजवाब देश है सर, कॉन्फिडेंस का देश है। इस देश में जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है लोगों के पास उतना कहीं नहीं है सर, यकीन मानिए। मैं तो जोधपुर हवाई अड्डे पर उतरा, आप भाभी जी ये मोबाइल रख दीजिए, ये दुनिया में आज जितना टेंशन मोबाइल दे रहा है उतना कोई भी नहीं दे रहा है। आप देखिए सिर्फ एक मैसेज, एक नोटिफिकेशन व्हाट्सएप का, वो दिमाग खराब कर देता अच्छे भले आदमी का, और वो नोटिफिकेशन होता है
दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। और आदमी का दिमाग खराब के इसने भगवान जाने क्या ही टाइप किया होगा। अभी 10 दिन पहले जयसवाल साहब का मेरे पास में मैसेज आया और जैसे ही मैंने नोटिफिकेशन देखा दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, मैंने रिटाइप किया। मैंने कहा बताइए बंधुवर क्या समस्या हो गई। इन्होंने वहां से वापस मैसेज किया, बोले हिमांशु भैया थोड़े पैसों की जरूरत थी। मैंने कहा वापस डिलीट कर दे या अपने पास है नहीं, अपन कहां से लावे यार। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं, जैसे ही जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरा ऑटो वाले परेशान करने लग गए, बताइए कहां जाना है, बताइए कहां जाना है। चलिए भाई साहब बैठिए छोड़ देता हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा चांद पे जाना है चलेगा। अब आदमी का कॉन्फिडेंस देखो, तुरंत बोला बैठ छोड़ देता हूं। मैंने कहा गजब कर रहा है यार। मैंने पैसे कितने लेगा, बोले 1350 करोड़ रुपए। मैंने कहा अभी इसरो वालों ने छोड़ा है तो 650 करोड़ में छोड़ दिया। उसका जवाब आपको प्रासंगिक लगे तो तालियां उठाइएगा। उसने तुरंत बोला, बोले भैया वहां से खाली आना पड़ता है, सवारियां नहीं मिलती है। ये आप बताओ आप किससे टक्कर लोगे देश में। बड़े बुजुर्गों की हमेशा माननी चाहिए, जो बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानते हैं उनको पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहते थे कि शराब आपको बर्बाद कर देगी। मत पिया कीजिए, कोई जरूरी नहीं है। पर सर मुझे पता नहीं ये क्या अट्रैक्शन है कि अगर आपका दोस्त बुद्धिमान हो तो आप ज्ञानी नहीं हो सकते, अगर आपका दोस्त गायक हो तो आप अच्छा गा नहीं सकते, यदि आपका दोस्त अच्छा साहित्यकार हो तो आप अच्छी काव्य रचना नहीं कर सकते, लेकिन गलती से आपका दोस्त बेवड़ा है तो 4-5 महीने बाद आपकी भी 60-90 चालू हो जाती है। मैं बता रहा हूं स्थितियां परिस्थितियां कहीं भी बिगड़ सकती है। मैं आपको बताऊं इस दुनिया में किसी का गम कम नहीं है सर। पिछले दिनों मेरे ससुर जी का फोन आया, मैंने जैसे ही फोन उठाया मैं बोला, बोले खुश रहो हिमांशु क्या कर रहे हो। मैंने कहा सहन। मैंने कहा पापा जी क्या बला छोड़ रखी, छाती पे पैर ताने तनी रहती है। उधर से ससुर जी भावुक हो गए, बोले बेटा मेरे बारे में सोच, मैं तो इसकी भी माँ के साथ 32 साल से रह रहा हूँ। दुख किसी का कम नहीं है। मैं आपको हकीकत बात बताऊं, मैं पहले बहुत अच्छा गाता था, आदरणीय शिखा जी ने बहुत अच्छी ससुर सरस्वती वंदना की, मैं भी बहुत अच्छा गाता था। जब पहली बार मेरी शादी हुई, दूसरी बार करने की ताकत नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। जब पैसे वैसे तो है, दूसरी बार ताकत नहीं है। जब पहली बार मेरी शादी हुई तो मैंने महिला संगीत में गाना गाया, पीछे से गधा चिल्लाने लगा, कोई भी नहीं दिखा। मैंने कहा पापा जी इस गधे को चुप कराओ। ससुर जी तुरंत बोले, वो भी यही बोल रहा है। और मैं कभी ज्यादा किसी चीज का टेंशन पालता नहीं हूँ, ये तो अभी बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां बदल गई। आज से 7-8 साल पहले जब पड़ोसी मुल्क कहता था कश्मीर ले लेंगे, सबको टेंशन होती थी, सब वीर रस के कभी मुझे फोन करके बोलते थे, बोले तुम हास्य रस वालों ने देश का बंटा धार कर दिया है, वो थोता पड़ोसी अपना बोलता है कश्मीर ले लेंगे, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो। मैंने कहा नहीं ले सकता, और हम हिंदुस्तानियों से कोई कुछ नहीं ले सकता। हमने किसी के पिताजी को खिड़की वाली सीट नहीं दी रेलवे और बसों में बैठने के लिए, पूरा पूरा कश्मीर देंगे। मैं एक छोटा दृश्य बताता हूँ आपको, आप किसी बड़े आइसक्रीम पार्लर पे खड़े होकर किसी एक भारतीय को देखो, 40 रुपए का आइसक्रीम का कप खरीदता है, उसके ऊपर का रैपर निकालता है और उसके ऊपर भी चिपकी हुई आइसक्रीम। हमारे से आइसक्रीम नहीं छूटती, कश्मीर छोड़ते वो तो मेरा दोस्त है विनोद शुक्ला, गांव में रहते थे, पड़ोसी दोस्त के वहां पे रिश्तेदार आ गए, वो आया विनोद शुक्ला के पास, तेरी रजाई दे दे। विनोद ने दे दी, पापा ने बोला किसी को कुछ नहीं देना, कोई रजाई मांगना है तो बोल दिया कर, उसकी खोल फट गई है, उसकी खोल में पांव का अंगूठा अटक जाता है, उसको चूहे कुतर गए, उसमें ठंड रुकती ही नहीं है। दूसरे दिन एक और आया, बोले यार विनोद तेरी लालटेन दे, विनोद चालू हुआ, बोले वो फट गई, उसको चूहे कुतर गए, उसकी खोल में पांव का अंगूठा, अरे यार लालटेन का चूहे, ये टंगरी दे, ले गया। पापा आए, बोले लालटेन नहीं दिख रही है, बोले जैसा आपने सिखाया था वैसा बोला, बोले बेटा इसका ऐसा बोला कर कि हमारी लालटेन का कांच टूट गया,
उसकी बत्ती आधी जलती आधी फड़फड़ फड़फड़ करती है, उसके पेंदे में छेद हो गया जिसमें से केरोसिन टपा टप टपा टप टपकता है। चार दिन बाद सलीम चाचा आए ईद की बधाई देने, बोले विनोद कहाँ है तेरे पापा? अब विनोद चालू हुआ, उनका तो कांच टूट गया, उनकी बत्ती आधी जलती आधी फड़फड़ फड़फड़ करती है, उनके पेंदे में छेद हो गया जिसमें से केरोसिन टपाटप टपाटप, ये जब तक टपकेगा जब तक आप लोग तालियां नहीं बजाएंगे, टपाटप 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 टपाट। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, देश में, और देश में बड़े राजनीतिक लोग भी बैठे हुए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, इसलिए कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन एक वोटर होने के कारण मांग करना चाहता हूँ इन बड़े लोगों से कि हम पुरुषों के लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचा जाता। महिलाओं को सिलेंडर दिया जाता है, हम पुरुषों को भी ब्लेंडर देने का प्रस्ताव देके देखे कोई, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। विनोद शुक्ला का जब दूसरा बच्चा हुआ तो मध्य प्रदेश में स्कीम चलती है, अन्नू भैया मध्य प्रदेश में स्कीम चलती है कि सरकारी अस्पताल में सेफ डिलीवरी हो जाए तो 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती बच्चा भैया। अब मैं जैसे भाईजान देखने इधर भाभी इधर पालने में बच्चा और उधर से सिस्टर 5,000 का चेक लेके आई, मैंने कहा 5,000 का चेक क्यों? बोले नहीं ये माँ, ये मैंने विनोद को देखा, मैंने कहा इस गरीब को भी कुछ ना कुछ दो, ये भी कुछ ना कुछ बना ही है, आधी आधी रात को गोलियों के लिए यही दौड़ा था बेचारा गरीब। पर हमारे लिए कोई कुछ नहीं सोचता सर। महिलाएं कहती है वी वांट 50% रिजर्वेशन, हम पुरुषों से कंधा मिला के चलेगी, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जब घर में लाल सिलेंडर उठाने की बारी आती है पुरुषों का ही कंधा याद आता है। आइए चार छह पंक्तियां आपको होली पर सुनाकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं, सुनिए। ये इस बार की होली क्यों विशेष है, जैसा कि एक बार जिक्र भी हुआ है, और मैं उत्तर प्रदेश में इस बार की होली क्यों विशेष हुई है, मैं चार पंक्तियां आपके बीच में रख करके अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं कि कार सेवकों के बलिदान से उदित हुई खुशियां वो जग को तमाम मिल गई है, और प्राण देके मिला है ये धाम सनातनियों को, कहना ना कोई ये काम मिल गई है, और 5 सदियों के वनवास बाद राम जी को राजधानी ललित ललाम मिल गई है, और अवध की शाम को श्री राम मिल गए हैं तो राम को भी अवध की शाम मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।